आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। एक कटोरी हमने पास्ता लिया है, एक प्याज को बारीक काट लिया है, एक गाजर हमने बारीक काट ली है, एक शिमला मिर्च ली है हमने, उसको भी बारीक काट लिया है, और 4 से 5 लहसुन की कली उसको बारीक काट ली है। 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, 2 चम्मच ही बटर लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच के आसपास चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच काली मिर्ची है, 1 चम्मच ओरिगेनो है। 4 कटोरी हमने पानी लिया है, उसको उबाल लिया है, आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच ही तेल डाल देते हैं, और साथ में ही हम पास्ता डाल देंगे और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, और बीच में हम चलाते रहेंगे इसको थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो ये पास्ता नीचे चिपक जाएगा। जब तक तो हमारा पास्ता तैयार होता है, हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं। एक पैन को हमने गर्म कर लिया है, आधा चम्मच हम बटर डाल देते हैं, साथ में ही थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, आप ऑयल से भी इसे बना सकते हैं। इसको गर्म कर लेते हैं, ये गर्म हो गया है, लहसुन डाल देते हैं और कुछ सेकंड के लिए हम इसको चला लेंगे। अभी हम प्याज डाल देते हैं, गाजर भी डाल देंगे और शिमला मिर्च भी साथ ही डाल देते हैं, और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। सब्जी आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। आप इसको बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। वन फोर्थ चम्मच हम नमक डाल देते हैं और 1/4 चम्मच भी हम काली मिर्ची डाल देंगे, ये क्रश की हुई काली मिर्ची है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए इसको और भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जियों को हमने पका लिया है और फुल फ्लेम पे हमने इसको पकाया है, गैस बंद कर देते हैं। अभी हम सॉस की तैयारी करेंगे। कढ़ाई को गर्म कर लिया हमने, 2 चम्मच बटर डाल देंगे इसमें, बटर को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल धीमा रखा है, बटर मेल्ट हो गया है, मैदा डाल देते हैं। ये हमने पका लिया, 2 मिनट में हमारा नहीं हुआ था, 1 मिनट के लिए और हमने भून लिया है। अभी गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अभी हम दूध डालेंगे। ये हमने 2 कप दूध लिया है, धीरे धीरे हम इसमें मिला देंगे। दूसरा कप भी हम डाल देते हैं। और अभी हम फ्लेम को चालू कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम का हम कर देंगे। और ऐसे ही चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अभी हम चम्मच ले लेते हैं और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए, थोड़ा बहुत जो गांठे बची हैं उसको ऐसे करते जाएंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेते हैं जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए सॉस हमारे। सॉस
सॉस हमारी गाढ़ी हो गई है, ये तैयार हुई कि नहीं इसका पता करने के लिए आप एक चम्मच इस तरह से लीजिए, ये ऊपर पीछे अटक रही है, तो सॉस हमारी तैयार है। अभी हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम काली मिर्ची डाल देंगे और 1/4 टीस्पून ही हम ओरिगैनो डाल देते हैं, और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। सॉस हमारी तैयार हो गई है, 7 से 8 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से टूट रहा है, पास्ता हमारा तैयार हो गया। हम अब इसको निकाल लेते हैं, ये हमने छलनी ले लिया है, छलनी पे हम निकाल लेते हैं। सारा हमने निकाल लिया, अभी हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि इसकी कुकिंग यहीं रुक जाए। ये हमने डाल दिया है, अभी हमने सॉस को ले लिया है, अभी हम इसमें सब्जियां डाल देते हैं जो हमने 2 मिनट भून के रखी थी अपनी, और साथ में ही हम पास्ता भी डाल देते हैं। अच्छे से हम इसको मिला देंगे, हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची और डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून ही। थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये भी 1/4 टीस्पून ही है, और 1/4 टीस्पून ही हम ओरिगैनो डाल देते हैं, और थोड़ा सा हम चीज डाल देंगे, आप चीज के स्लाइस होते वो भी डाल सकते हैं या चीज को ऐसे भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे, और गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। पास्ता हमारा तैयार हो गया है, पास्ता हमारा तैयार है।